अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं निदा अली मदीनतुल मुनव्वरा से। उम्मीद करती हूं कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगी। आज आपके साथ में जो ज़ियारत का मुकाम शेयर करने वाली हूं वो है मस्जिदुल अल-हुलैफा, यानी कि मस्जिद मिकात के नाम से भी ये मस्जिद मशहूर है और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 7 किलोमीटर के फासले पर ये मस्जिद वाक़िया है। इसको मस्जिद मिकात इसलिए कहा जाता है कि जब हम मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा उम्रा के लिए जाते हैं तो हम यहाँ पे अहराम बांध के 2 रकत नफल अदा करके उम्रा की नियत करते हैं। इसलिए जो मदीना वालों के लिए है ये मस्जिद मिकात है, यानी कि ये मिकात की जगह है जहाँ से अहराम वगैरह बांधा जा सकता है। और मेरे साथ आप ये जो सामने शॉप्स वगैरह देख रहे हैं उस साइड पे, यहाँ से आपको जो है वो उम्रा के लिए तमाम चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। अहराम वगैरह भी, अगर आपने कुरानी बुक्स लेनी हो वो भी, उम्रा गाइड की बुक्स भी, और उसके अलावा आपको स्लीपर्स, नेल कटर्स, सीजर्स, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्कतुल मुकर्रमा के लिए तशरीफ़ लेके गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे असर, मगरिब और इशा की नमाज़ अदा की थी और फिर अगली सुबह आपने यहाँ पे 2 रक्त नमाज़ अदा करके उम्रा की नियत की थी। और वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर हम लोग जो हैं वो इस मस्जिद पे अगर उम्रा के लिए नहीं भी जा रहे तो अगर हम वैसे ही यहाँ से गुज़रते हैं तो 2 रकत नवाफिल अगर हम अदा करते हैं तो उसका बेशुमार सवाब है। मैं भी मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आई थी और यहाँ पे मैंने अदा किए थे जी 2 रकत नमाज नवाफिल। और इसी दौरान जो है वो नमाज मगरिब का जो है वो टाइम हो गया था और मगरिब की नमाज़ के लिए अजान होने लगी थी। तो मेरे साथ चलिए सुनते हैं मगरिब की अजान। हय अल्लाह।